नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं गायत्री। न्यू ईयर की सर्दियों में ऋषिकेश घूमने आने वालों का इंतजार कर रहा है फ्री चाय और नाश्ता। जी हाँ, मुफ्त में लजीज नाश्ता और गर्मा गर्म बढ़िया चाय पीने के लिए आपको ऋषिकेश में आना पड़ेगा माँ जानकी की रसोई में। ऋषिकेश घूमने आने वाले पर्यटकों की इन दिनों माँ जानकी रसोई में खूब भीड़ जमा हो रही है। ऋषिकेश में 72 सीढ़ी के पास माँ जानकी रसोई में आजकल सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक टूरिस्ट और स्थानीय लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। टूरिस्ट में माँ जानकी रसोई की चाय और नाश्ता काफी पॉपुलर हो गया है। यहाँ चाय के साथ नाश्ते में बिस्किट, पकौड़े, टोस्ट, समोसा एवं हलवा पेश किया जा रहा है। कड़ाके की ठंड में अगर चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े और समोसे मिल जाएं, तो क्या ही कहने। बहुत अच्छा है, गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, मतलब बहुत अच्छी चीज है। इस कड़ाके की ठंड में जैसे चाय का नाश्ता सभी को, जरूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए आसान है। हमारे वहाँ से कई सदस्य आते हैं यहाँ चाय पीने के लिए और सुबह सुबह यहाँ भोर 6 बजे से 7-8 बजे तक चाय बटते है और यहाँ पे सारे मजदूर, हमारे जितने भी लेबर है, सब आते हैं। शिव कुमार गौतम कई वर्षों से माँ जानकी रसोई चला रहे हैं। गौतम यहाँ के सेवादार भी हैं। उनका कहना है कि रसोई के जरिए वो टूरिस्ट के साथ साथ गरीबों की भी सेवा कर रहे हैं। माँ जानकी रसोई की ओर से राहगीरों, गरीबों और जरूरतमंदों को फ्री में चाय नाश्ता के साथ साथ सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े, कंबल और शॉल भी दिए जाते हैं। सुबह 4 बजे ऋषिकेश में कहीं भी दुकानें नहीं खुलती। चाय और नाश्ते के लिए लोगों को दुकान खुलने का घंटों इंतजार करना पड़ता है। हफ्ते में एक दिन हमारा प्रयास रहता है कि हम थोड़ा सा इसको भव्य रूप दिया करें, क्योंकि जैसे वीरवार है या इतवार है, उस दिन गरीबों को यहाँ पे भोजन भी हमारी तरफ से कराया जाता है और ये सब निःशुल्क है। यहाँ पे आने का मतलब, यहाँ पे अगर आप सेवा करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको यहाँ पे पैसा देना है। ये सब निःशुल्क है और सबके सहयोग से होता है। जैसे अभी कल यहाँ पे जो भव्य राम मंदिर का यहाँ पे कलश यात्रा आई थी, उसके उपलक्ष्य में भी यहाँ पर व्यवस्था की गई थी पूरी आलू और हलवे का। अभी शहीदी दिवस जो था हमारे वाहेगुरु गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों का, उसका भी उपलक्ष्य में यहाँ पे हमने प्रसाद बंटवाया गया था। तो ये सारे सम्मान और सारे जितने भी प्रोग्राम हैं यहाँ चलते रहते हैं और प्रातः 4 से 8 बजे तक का समय है। और अभी जैसे इस बार स्टार्ट हुआ है और ये अभी हमारा चलेगा शिवरात्रि दिन। माँ जानकी रसोई सर्दियों की शुरुआत में होती है और शिवरात्रि तक चलती है। शिवरात्रि के बाद जब ठंड कम होती है और गर्मियां बढ़ने लगती है, तब इसे बंद कर दिया जाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी हर अहम खबर के लिए आप जरूर देखते रहे श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।